आई एम डॉक्टर राशि वर्किंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। सो आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब महावारी यानी पीरियड्स के टाइम पे स्वच्छता का ध्यान कैसे रखें, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों रखें, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ध्यान हमें क्यों रखना चाहिए, यानी जब पीरियड्स आ रहे हैं तो क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम साफ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखें। नॉर्मली हमारा जो वजाइनल पीएच होता है, जो एसिडिक होता है, पीरियड्स के टाइम पे उस पीएच में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर टू, जो यानी हमारा वजाइना का रास्ता है यानी जो यूट्रस का रास्ता है वो कंपैरेटिवली पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा खुल जाता है, जिसपे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं असेंडिंग इन्फेक्शन यानी ऊपर की तरफ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर थ्री, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, उसमें ब्लड होता है। ब्लड एक कल्चर मीडिया की तरह होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स यानी जो गंदे वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरसेस कैन ग्रो। सो अभी हमने ये जाना कि ध्यान हम क्यों रखें, अब क्या क्या करना चाहिए। देखिए, नहाना तो बहुत ज़रूरी है, डेली हमें प्रॉपर नहाना है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अंडरगारमेंट्स को दिन में दो बार चेंज करना है, उनको ड्राई रखना है, वेट नहीं रहना है। जैसे ही हमें फील होता है कि वो वेट हो रहे हैं उसको चेंज करना है, और हमें जो पेरिनियम है अपना, जो नीचे का रास्ता है, उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो एवरी टाइम हमें यूरिन या स्टूल पास करने जाना है तो उसको साफ पानी और सोप से क्लीन करके सुखाना है। देखिए, सुखाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी हम अंडरगारमेंट्स यूज़ करें इट शुड बी प्रॉपरली ड्राई अंडर सन, मतलब उसको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो डेड नहीं होंगे और बार बार इन्फेक्शन हमें करते रहेंगे। तो नंबर वन, नहाना है ज़रूरी, एवरी टाइम पेरिनियम को प्रॉपरली हमें क्लीन करना है, और हमने ये ध्यान देना है कि वाइल वॉशिंग वाइल क्लीनिंग पेरिनियम हम कभी पीछे से आगे की तरफ उसे क्लीन ना करें, अदरवाइज वहाँ के बैक्टीरिया भी हमारे वजाइना में जाकर उसमें बार बार इन्फेक्शन करेंगे। तो अगर इस तरीके से हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, कैंडिडियासिस यानी फंगल इन्फेक्शंस। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखना एडोलेसेंट फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में जो 12 से 18 साल की उम्र की होती है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ताकि आगे की लाइफ में उनको इन्फेक्शंस ना हो। थैंक यू।